बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता हूँ। सऊदी किंग शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और सऊदी जवाज़ात ने अहम ऐलान किया है। वो तमाम गैर मुल्की जो इन ममालिक में फंस चुके हैं जहाँ से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स बंद हैं, उनके इकामे, उनकी छुट्टी और इनके विज़िट वीज़ों में 31 जुलाई तक तौसीह कर दिया गया है। जी हाँ, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। इससे पहले शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 2 जून तक इकामे, छुट्टी और विज़िट वीज़ों में तौसीह किया था, लेकिन अब इसको मज़ीद बढ़ा दिया गया है और 31 जुलाई 2021 तक इकामा, छुट्टी और विज़िट वीज़ों में तौसीह कर दिया गया है। ये उन ममालिक के गैर मुल्कियों के लिए है जहाँ से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स बंद है। ये ऑटोमेटिक तरीके से किया जाएगा, आपको कंपनी या कफील को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये कोरोना वायरस की वजह से और फ़्लाइट बंदिश की वजह से ये अहम ऐलान किया है। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे, उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई थी, काम में ख़त्म हो चुके थे, विज़िट वीज़े भी एक्सपायर हो चुके थे, उनकी कंपनी कफील नहीं बढ़ा रहे थे, नए काम में रिन्यू कर रहे थे, ना उनकी छुट्टी बढ़ा रहे थे। तो अब एक बार फिर सऊदी हुकूमत ने एक अहम इकदाम उठाया है और उन गैर मुल्कियों के इकामे, छुट्टी और विज़िट वीज़ों में 31 जुलाई तक तौसीह कर दिया गया है। इस वीडियो के मुताबिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बक्स में कीजिए।